के मना करने पर भी आप मुझे इस घर पे वापस लाए, क्योंकि जो सोचकर हमने ये शादी की थी, हमें उस सपने को पूरा करना था। बालक और पायल को माँ का प्यार देना था, अंश को एक पिता का प्यार देना था। बाबूजी ने आपके कहने पर मुझे 3 महीने का वक्त दिया है, और इन 3 महीनों में मुझे साबित करना होगा कि मैं पलक और पायल की माँ बन सकती हूँ, पर उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। यश जी, अगर आपका ही साथ नहीं रहेगा तो मैं कैसे निभाऊंगी अपना ये फर्ज? आपने अंश का नए स्कूल में एडमिशन कराया क्योंकि एक पिता की खातिर आपको महसूस हुआ कि अंश को एक बेहतर जगह, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या यश जी, बालक और पायल के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं सोच सकती जिससे उनको खुशियां मिले? अगर आप पलक के बर्थडे बनाने की बात कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। यश जी, मुझे याद है यश जी, लेकिन प्लीज यही एक मौका है जो मुझे पलक के दिल के करीब ला सकता है। मैं पलक और पायल के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। पलक की बर्थडे पर उसे वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जिसे देखने की इच्छा आप भी रखते हैं और अर्पिता जी भी। वो भी तो ऊपर से अपने बच्चों को देखते होंगे ना, क्या आपका दर्द और अपनी बेटियों का दर्द वो सह पाते होंगे? यश जी, बहुत जरूरी है कि हम पलक को ये महसूस करा सके कि उसका बर्थडे बहुत स्पेशल है, वो बहुत स्पेशल है, कि हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं मानती हूं इसमें मेरा भी स्वार्थ है, क्योंकि इसी दिन के सहारे मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सकती हूँ। इसलिए प्लीज यश जी, मना मत कीजिए, एक बार हाँ कर दीजिए प्लीज। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। आरती जी, मैंने पलक को बर्थडे मनाने से कभी नहीं रोका, वो खुद ही नहीं मनाती। आप क्या चाहते हैं? अगर पलक मनाना चाहती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। की जिम्मेदारी मेरी है यश जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार पलक अपने बर्थडे पर अपने सारे दर्द भूल जाए, उसमें इतना बदलाव आ जाए कि हर कोई बस देखता ही रहे। परी, इसे ऐसे नहीं, ऐसे करते। मुझे पलक का बर्थडे मनाने की इजाजत दे दी है यश जी ने।
भाभी? हाँ, मैंने तय कर लिया है, 15 जून को हम सब मिलकर पलक का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आखिर उसे भी तो हक होना चाहिए ना दूसरे बच्चों की तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। भाभी, परिधि, मुझे पलक का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए आप दोनों की मदद की जरूरत होगी। हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमें घर पे क्या बनाना है और बाहर से क्या मंगाना है। मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि बर्थडे पार्टी का थीम क्या होगा। बहू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जब भी तुम पर थोड़ा सा भरोसा करने लगती हूँ, इतनी सी देर नहीं लगाती तुम उसे तोड़ने में। अपने शौक के लिए तो पार्टी तुम रख लोगी, लेकिन पलक के बारे में सोचा है? उसके मन पे क्या असर होगा? मम्मी जी, आखिर हम कब तक इस तारीख से ऐसे ही भागते रहेंगे? और कब तक वो बच्ची अपनी खुशियों से दूर रहेगी? और क्यों मम्मी जी, आप ही सोचिए, बच्चे तो अपनी बर्थडे के लिए साल भर वेट करते हैं। क्या पलक का मन नहीं होता होगा अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने का, या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने का? प्लीज मम्मी जी, बस एक बार मुझ पे भरोसा कर लीजिए। मैं ये सब कुछ सिर्फ पलक की खुशी के लिए कर रही हूँ, और मेरी ये कोशिश आप लोगों के साथ के बिना मुमकिन नहीं है। प्लीज मम्मी जी, हाँ कह दीजिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार पलक की बर्थडे पर आप पलक के आसपास सिर्फ खुशियां देखेंगी, वो खुशी जो हमेशा से आप पलक के चेहरे पर देखना चाहती है। बात सिर्फ पलक की नहीं है यश, यश जी तो मुझे पहले ही इजाजत दे चुके हैं। सच मम्मी जी, पर मैं आप सबकी इजाजत के साथ ये काम करना चाहती हूँ, और आपकी आज्ञा तो बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा आप इस परिवार को जानती हैं, समझती हैं, अपनी जिंदगी दी है आपने इस परिवार को। मुझे तो कुछ ही दिन हुए हैं इस घर में आए हुए, और अब मैं आप जैसे इस घर की एक योग्य बहू बनना चाहती हूँ। ठीक है, पर एक बात का ख्याल रखना, मेरे बच्चों की खुशियों में कभी आंच भी नहीं आनी चाहिए। पलक के चेहरे पे अगर तुम मुस्कुराहट नहीं ला सके तो उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आने चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं इस बार आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगी। भरोसा तो मैं तब करूंगी जब तुम सही माने में इस घर में अर्पिता बहू की जगह ले लोगी, और वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। गलती की गुंजाइश तो उससे भी कम। बातें भाभी, ऑल द बेस्ट। भाभी जाने आ। रिधि। अब प्रतीक भैया,
आपने मुझे पायल के सारे फ्रेंड्स के नाम लिखवा दिया ना, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं भाभी। ठीक है, अब मैं सबको पर्सनली फोन करके इनवाइट कर लूंगी। अब आप ये भी बता दीजिए कि मेरे लायक क्या ऑर्डर है। ऑर्डर नहीं प्रतीक भैया, रिक्वेस्ट कीजिए। आप तो इतनी बड़ी बड़ी शादियां प्लान करते हैं सालों से इस बिजनेस में, फिर ये बर्थडे पार्टी तो आराम से प्लान। बिल्कुल भाभी, मैंने ऑलरेडी सबको काम पे लगा दिया, गेम से लेके डेकोरेशन वाले तक। आप जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा, बस हम बैठ के मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। फिर आपका ये होनार देवर वर्ल्ड का नंबर वन शेफ और शहर का सबसे बढ़िया खाना आपको देगा। वो भी कर लूंगी, लेकिन मैं कुछ चीजें घर पे बनाना चाहती हूँ। ओके भाभी, मैं तेरा ऑफिस जाके आता हूँ। वो फेरी लाइन वाला डिजाइन तैयार हुआ कि मैं देखता हूँ। अब पार्टी की थीम वही है ना? हाँ। बाय बाय। पलक, जिस दिन तुम मुझे माँ कहोगी ना, उस दिन मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे तब हुई थी जब अंश ने पहली बार मुझे माँ कहकर बुलाया था। अरे, इतनी बड़ी खबर मैंने माँ को तो बताई नहीं, अभी उन्हें फोन करती हूँ। हेलो। हेलो माँ, आरती बोल रही हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अरे वाह, आज तो तेरी आवाज बहुत अलग लग रही है, कोई खुशी की बात बताना चाहती है क्या? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखा, सही पहचाना ना मैंने, ऐसी मैं तेरी माँ नहीं हूँ। आरती बेटा, तेरे दिल तक सुख या दुख की परछाई भी पहुंचे ना तो मुझे आहट मिल जाती है। मैं जानती थी कि इस बार यश जी के घर जाकर तुझे अच्छा लगेगा, इतना समझदारी भरा फैसला जो लिया है तूने। अरे माँ, अब मुझे बोलने देंगी या खुद ही बोलती रहेंगी? अच्छा बोल, सुन रही हूँ मैं। माँ जानती है, मैं, प्रतीक भैया, हम सब मिलकर ना पलक का बर्थडे बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह पलक की माँ अर्पिता जी मनाती थी। मैं अर्पिता बनकर पलक और पायल को वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ माँ, जो मैं दे सकती हूँ। अर्पिता बनकर? हाँ माँ, पलक और पायल का दिल जीतने के लिए मुझे आरती से अर्पिता बनना ही होगा। नहीं बेटा, मुझे लगता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो तूने रास्ता चुना है ना, वो गलत है। तुझे अर्पिता बनकर नहीं, आरती बनकर उन बच्चों की माँ बनना होगा। सच कहूँ माँ, तो मेरे लिए सही अब गलत रास्ता अब है ही नहीं, मुझे तो बस मेरी मंजिल पानी है, और उसके लिए मुझे आरती से अर्पिता बनना ही होगा, और मैं बनूंगी माँ, क्योंकि मुझे कुछ भी करके पलक और पायल का दिल जीतना है, उनकी माँ बनना है। लेकिन आरती इस तरह से? माँ, अब जल्दी से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें सफल रहूँ, प्लीज। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है आरती, पर बेटा एक बार फिर से सोच ले, मेरे हिसाब से तू ठीक नहीं कर रही है। माँ, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। ठीक है, बाय। मेरी आरती का साथ देना भगवान, उसका कोई भी फैसला उसके लिए गलत साबित ना हो जाए। एक सरप्राइज हमारे पास भी है आपको देने के लिए। 15 जून को आपका बर्थडे आ रहा है ना, हम सब आपका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। प्रतीक भैया और आपके ऑफिस के स्टाफ की हेल्प से सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां हो गई है,
ये पलक के फ्रेंड्स के नंबर्स हैं, बस अब उन्हें पर्सनली फोन करके इनवाइट करना बाकी रह गया है। सब कुछ डिसाइड हो गया है, अब इंतजार है तो बस उस खास दिन का। पता है यश जी, मैं पलक की बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ, बहुत स्पेशल। सब कुछ उसके पसंद का होगा, खाना, म्यूजिक, गेम्स। बस एक जगह आके अटक गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा उसको गिफ्ट क्या दूँ। उसकी पसंद और नापसंद के बारे में इतना जानती नहीं हूँ ना, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। आपको तो पता होगा उसे क्या अच्छा लगता है, उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। आपने अलग से बात की? अभी नहीं की है, पर कर लूंगी। आप शायद भूल रही हैं, मैंने आपसे कहा था बर्थडे पार्टी तभी होगी जब पलक हाँ कहेगी। और जब यश जी, मुझ पर भरोसा तो कीजिए, मैं मना लूंगी पलक को। पलक की बर्थडे पार्टी मनेगी, जरूर मनेगी, और ऐसी मनेगी कि पार्टी तभी होगी जब पलक खुशी खुशी हाँ कहेगी, वरना नहीं। कैसे लगे आपको मेरी ड्राइंग? अच्छी है बेटा। पापा, इस बार हम मम्मी को लेटर नहीं भेजेंगे, ये ड्राइंग भेजेंगे भगवान जी के घर। मम्मी अगर ये ड्राइंग देखेगी तो खुश हो जाएगी ना पापा? अरे वाह, दिखाओ तो। अरे वाह, आपने तो अपने पापा को बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। अब एक सरप्राइज हमारे पास भी है आपको देने के लिए। 15 जून को आपका बर्थडे आ रहा है ना, हम सब आपका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। इसी बात का डर था आरती जी, पलक को मुझे समझाने दीजिए। दीजिए जी, एक बार भरोसा कर लीजिए मुझ पर, एक मौका तो दीजिए मुझे, बस एक बार भरोसा कर लीजिए प्लीज। पलक, ऐसा नहीं कहते बेटा। मेरी मम्मी रहेगी तो ही मैं बर्थडे पार्टी बनाऊंगी। पापा, मुझे मेरी मम्मी अच्छी लगती है। मेरी मम्मी लेके आओ ना पापा। मेरी मम्मी, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ।
इसी बात का डर था आरती जी। पलक को मुझे समझाने दीजिए। प्लीज जी, एक बार भरोसा कर लीजिए मुझ पर, मैं पलक को समझा दूंगी। आरती जी लेकिन प्लीज जी, एक मौका तो दीजिए मुझे, बस एक बार भरोसा कर लीजिए प्लीज। जी, आप ही ने कहा था ना कि आप ये शादी आपकी बेटियों को एक माँ मिले इसलिए कर रहे हैं, तो अगर आप ही मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं इनकी माँ कैसे बन पाऊंगी। प्लीज जस जी, ये एक मौका दे दीजिए मुझे।